हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो ब्लॉग लेके। आज के ब्लॉग में है काली पूजा जो कि हमारे घर पर हुई थी। वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है लेकिन चलिए शुरू करते हैं। घर पर काली पूजा करवाने की काफ़ी दिनों से इच्छा थी, इसलिए मूर्तिकार को पहले से ही ऑर्डर दे दिया गया था अप्रॉक्स 15-20 दिन पहले। तो मूर्ति का साइज़ है 3.5 फिट। पूजा वाले दिन दोपहर में ही माँ को ले आया गया, जिसका धूमधाम से हमने गृह प्रवेश किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर सके। बट बाकी काली पूजा के नियम और जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको आगे वीडियो में बताते चलूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। ये पूजा बहुत ही जागृत पूजा है, इसमें कोई भी त्रुटि या कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। माँ काली की पूजा होती है रात में, जिसके लिए सुबह से ही उपवास में रहना पड़ता है और रात भर पूजा चलती है, और अगले दिन जब पूजा समाप्त हो जाती है तब उपवास खोला जाता है। सभी अपने अपने कल्चर के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। दीपावली में होती है गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा, बट बंगाली कल्चर में दीपावली की रात को होती है काली पूजा। आज दीपावली तो नहीं है लेकिन मन में इच्छा थी इसलिए घर पर ये पूजा रखवाई गई। तो अब मूर्ति को मेरे हस्बैंड और दादा जो बड़े भैया हैं वो माँ की मूर्ति को उनके सजाए स्थान पर विराजित कर रहे हैं। इसके बाद माँ को उनके अलंकार और शस्त्रों से सजा दिया जा रहा है। पूजा होगी 12 बजे और अभी बज रहे हैं 10। पंडित जी आ चुके हैं, पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो ये हूँ मैं और ये है मेरी दीदी यानी कि मेरी जेठानी। भैया को तो आप पहले देख ही चुके हैं, तो ये हैं हमारे बड़े भैया भाभी। पूजा की तैयारी में क्या क्या कैसे करना है पंडित जी तो हमें बता ही दे रहे थे, साथ में हमारे थे दो इंस्ट्रक्टर, इनसे मिलिए। ये है मेरे बाबा यानी कि मेरे फादर, और साथ में है काका। इनके इंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना हम पूजा की तैयारी शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसके बाद मैं सजा रही हूँ नई दिब्बी। नई दिब्बी एक इस तरह की थाल होती है जिसमें भीगे हुए चावल पार्ट्स में इस तरह से रखे जाते हैं और उसके ऊपर फ्रूट्स रखे जाते हैं। इस पूजा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुड़हल का फूल, यानी कि इंग्लिश में उसे बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर या शू फ्लावर, मराठी में उसको बोलें तो जासवंदी का फूल, और बेल के पत्ते। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की एक अनोखी विधि। इसमें बनाई जा रही है चिल्लम। तो आप सोच रहे होंगे कि चिल्लम क्यों बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है शिव शंकर भगवान के लिए। इसमें नारियल के छाल को डालकर जला दिया जाएगा और भगवान के चरणों में रख दिया जाएगा। ये पूजा के नियमों में से एक है। पूजा की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, सभी कुछ तैयार है। इसके बाद यहाँ ऊपर माँ की मूर्ति के पीछे जो आपको डेकोरेशन दिख रही है ये हम सभी ने मिलके की है, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और घर के बाकी लोग कर रहे हैं पावरी यानी कि टी पार्टी। तो रात में जगना है तो इसलिए थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ही,
इसलिए टी ब्रेक चल रहा है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ घर का मंदिर। मंदिर के लेफ्ट साइड में जो फ़ोटो है वो है बाबा की, मेरे फादर इन लॉ की फ़ोटो। अब पूजा हो रही है स्टार्ट। नमो श्री विष्णु, नमो श्री विष्णु, नमो श्री विष्णु। घी घृत पत्र बांबा कोई घृत लैया मंत्र बोलो ओम। बांग्ला लैंग्वेज में पंडित जी को बोला जाता है पुरोहित मशाई। शायद कुछ लोगों को ये पंडित जी पहचाने लग रहे होंगे क्योंकि इन्होंने 2009 में हमारे बड़े भैया भाभी की और 2014 में हमारी शादी और इसके बाद मेरे हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड हैं संदीप और वैशाली, उनकी शादी भी करवाई थी। इसके बाद मैं और दीदी कर रहे हैं 108 दिए जलाने की तैयारी। जिस तरह से दीपावली में दिया बाती किया जाता है उस तरह से काली पूजा की रात को 108 दिए जलाए जाते हैं। तो पूजा हो चुकी है पूरी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित जी ने ये मिरर जो मटके में जल है इसके अंदर मिरर को विसर्जित कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि पूजा संपन्न हो चुकी है और माँ का उनके घर जाने का समय आ चुका है। इसके बाद पंडित जी दे रहे हैं शांति जल, जो इस तरह से स्प्रिंकल किया जाता है, ये पैरों में नहीं लगना चाहिए। इसके बाद देंगे पंडित जी प्रसाद। और ये है हमारा होम स्वीट होम। हो चुकी है सुबह, इसके बाद हो रहा है सिंदूरदान। माँ को विदा करने से पहले होता है सिंदूर खेला, जिसमें सुहागिनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जिसके पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और इस फोटो में है तीन समधन। सबसे पहले हैं दीदी की मम्मा, उसके बाद मेरी माँ और फिर सासू माँ। और अब आ गया है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट। माँ अपने जा रही हैं घर और हम सभी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल। लेकिन माँ हमारे घर आई, माँ की सेवा करने का हमें मौका मिला, यही सबसे बड़ी बात है। बस यही माँ से प्रार्थना है कि हम सब खुश रहें और हेल्थी रहें और हैप्पी रहें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली ट्रेडिशन, बंगाली कल्चर इन सब को देख सकें और हमारे कल्चर को जान सकें। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड सेफ।